तारीख 21 अगस्त और आज के दिन भारत से दो तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तस्वीर है आज बुलाए गए भारत बंद की, जिसमें जगह जगह पर आंदोलन हो रहे हैं। कहीं ट्रेनें रोकी गई हैं, कहीं हलवाई के ऊपर गर्म तेल फेंक दिया गया, तो कहीं रास्तों पर आगजनी की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर आई है किसान नेता राकेश टिकैत की, जिन्होंने अपने बयान में ये कहा है कि इस बार हम किसान निकले तो भारत की हालत भी बांग्लादेश जैसी कर देंगे। नमस्कार, मैं सौरभ कुमार, आप देख रहे हैं आयोग। 21 अगस्त को 14 घंटे के लिए बुलाया गया भारत बंद आखिर किस मांग पर है, इसके पीछे की मांगे क्या है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है और आगे जाकर यह आंदोलन कौन सी शक्ल ले सकता है, आज के वीडियो में इन्हीं सब बातों के ऊपर बात करेंगे। आज के वीडियो में समझेंगे क्या है पूरा मामला। इस मामले की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से होती है, जब 1 अगस्त को एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बी.आर. गवई एक टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान है, आरक्षण है, यानी ओबीसी के जो लोग आर्थिक रूप से संपन्न हैं उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, ऐसा ही एससी और एसटी समाज में भी होना चाहिए। इसके पीछे का तर्क उनका ये था कि लंबे समय से एससी एसटी समुदाय का एक छोटा हिस्सा आरक्षण का लाभ ले रहा है और एक बड़े समुदाय को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा, इसीलिए एससी एसटी समाज के अंदर में जो समाज अब आर्थिक रूप से सक्षम हो गए हैं उनको आरक्षण का लाभ बंद करना चाहिए, इसके लिए सरकार को कोई नियम बनाना चाहिए। इसके बाद जितने दलित सांसद हैं वो एक ग्रुप बना के प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे, जिसके बाद 9 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के सुझावों को लागू नहीं करेगी। इसके बाद मामला खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन मामले ने खत्म होने के बजाय और तुल पकड़ लिया। इसको लेकर धीरे धीरे देश भर में काम करने वाले एससी एसटी समाज का संगठन एकजुट होने लगे और उन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया है। इसके पीछे उन्होंने कुछ मांगे भी रखी हैं, जैसे एक तो उनकी मांग है कि एससी और एसटी के अंदर का क्लासिफिकेशन सरकार बंद कर दे पूरी तरीके से, ये होना नहीं चाहिए। दूसरी मांग है कि एससी एसटी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। 9वीं अनुसूची में वो कानून होते हैं जिनको कोर्ट में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही मांग है कि कॉलेजियम सिस्टम को बंद किया जाए। कॉलेजियम सिस्टम वो प्रक्रिया है जिसके तहत कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, उसको बंद करने की मांग की गई है। इसके साथ ही निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में भी आरक्षण मांगा गया है और मांग की गई है कि देश में जातीय जनगणना कराई जाए। इसके बाद देश के अलग अलग जो राजनीतिक संगठन हैं उन्होंने भी इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया है, जैसे कांग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएम। चिराग पासवान भी इस बंद के समर्थन में बोलते हुए देखे गए हैं। उनका कहना है कि जो भेदभाव है ये अछूत के कारण हुआ है, आरक्षण इसलिए दिया गया है तो आर्थिक आधार पर इस आरक्षण को वापस नहीं लिया जा सकता। आज सुबह से ही देश भर में प्रदर्शन शुरू हो गए। बिहार में प्रदर्शन का उग्र स्वरूप देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रेनें रोकी गई हैं, दुकानें बंद करवाई गई हैं, कुछ जगहों पर पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच में झड़प भी हुई है। इसके साथ ही जोधपुर से खबर आई कि हलवाई के ऊपर गरम तेल फेंक दिया आंदोलनकारियों ने, जब वो उसका दुकान बंद करवाने के लिए पहुंचे थे। रांची में सरकार में जो दल है जेएमएम, उसने समर्थन दिया हुआ है आंदोलन को, तो रांची में खूब गदर काटा जा रहा है, सड़कों के ऊपर आग भी लगाई गई है, कहीं कहीं से आग लगने की खबरें आई हैं। इन सब के बीच किसान नेता राकेश टिकैत, आपको याद होंगे वही किसान नेता हैं जो किसान कानूनों की वापसी की मांग को लेकर के आंदोलन पर बैठे हुए थे और इस दौरान एक भीड़ लाल किले में भी घुस गई, दिल्ली को घेराबंदी की गई। राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब भारत में भी बांग्लादेश जैसी स्थिति होगी, बड़ी संख्या में किसान राजधानी को घेर लेंगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी शेख हसीना की तरह देश छोड़कर भागना पड़ेगा। बांग्लादेश में तो ये बताएगी नहीं आगे सरकार क्या लग रहा भाई। बांग्लादेश में 15 साल से जो आदमी सत्ता पर काबिज है, विपक्ष के नेता साहब जेलों में बंद है, तो यही तो और सोचता है। अब वे सारे बंद है, उन्हें भागने कहाँ दिया, सारे बंद है, यही हाल यहाँ होगा, ये ढूंढे नहीं मिलने के। जनता बहुत गुस्से में, ये तो उस दिन जब ट्रैक्टर लेकर दिल्ली गए ये इन्होंने बहका दिया कि लाल किले पर चल जाओ, अगर ये उस दिन पार्लियामेंट की तरफ को कर देते, वो तो 26 जनवरी थी, नहीं तो 25 लाख आदमी थे, ये सारा का सारा काम उसी दिन निबट जाता केस।
बांग्लादेश में हुए आंदोलन के बाद तरह तरह के रिपोर्ट सामने आए और रिपोर्ट में एक बात साफ है कि अमेरिका सहित जो विदेशी शक्तियां हैं वो बांग्लादेश के लोकतंत्र को प्रभावित करना चाहती थी। शेख हसीना के नियम और नीति उनके अनुकूल नहीं बैठ रहे थे। इसमें CIA का भी नाम आता है, इसमें अलग अलग डीप स्टेट्स का नाम आता है कि कैसे उन्होंने बांग्लादेश की सरकार को अस्थिर किया और शेख हसीना को देश छोड़कर भागने के लिए मजबूर कर दिया। बांग्लादेश के आंदोलन के बाद लगातार भारत में भी इस तरह की संख्याएं सामने आ रही है, क्योंकि हमने टूल किट लगातार देखा, हमने देखा किस तरह भारत की सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई, लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकार को कमजोर करने की कोशिश की गई। इसके बाद इस तरह का एक आंदोलन, क्या इस आंदोलन को भी उग्र स्वरूप देने की तैयारी की जा रही है? और जो दल इसको अपना समर्थन दे रहे हैं वो कांग्रेस हो, TMC हो, RJD हो या GMM हो, क्या ये दल इन डीप स्टेट के साथ मिले हुए हैं? इस तरह के तमाम सवाल हवा में तैर रहे हैं और इन सवालों के जवाब देने वाला कोई नहीं है। जल्दी ही पता चलेगा कि क्या ये आंदोलन और उग्र स्वरूप भी ले सकता है। अपडेट्स के लिए लगातार हमसे जुड़े रहिए, अपडेट्स आप तक लेकर आते रहेंगे। इस तरह की खबरों के लिए आयुध को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।